राजद महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी दरौली प्रखंड के कई गांव में जनसंपर्क किया, जहां राजद महागठबंधन के सभी दलों के नेताओं ने और जनप्रतिनिधियों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। अवध बिहारी चौधरी के साथ दरौली के विधायक सत्यदेव राम, माले नेता अमरनाथ यादव, वीआईपी जिला अध्यक्ष श्रीनिवास यादव के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। अवध बिहारी चौधरी को कहीं दही से तोला गया तो कहीं फूलों की बारिश कर उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। अवध बिहारी चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोई लड़ाई में नहीं है, सब दूसरे और तीसरे नंबर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, जन सैलाब मिल रहा है, उससे यह प्रतीत हो रहा है कि उनकी जीत पक्की है। वहीं माले के विधायक सत्यदेव राम, जो दरौली के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि सिवान से इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है, एनडीए की हार हो रही है। वहीं माले के एक दरौली पंचायत के मुखिया ने कहा कि माले पूरी तरह से राजद महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी के साथ है, माले का वोट कहीं भी नहीं जाने वाला है। माले ने ये प्रतिज्ञा की है कि उसका एक एक वोट राजद महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी को जाएगा। माले राजद के साथ पूरी तरह से एकजुट है, पूरी तरह से खड़ी है। आइए आपको सुनाते हैं तरौली प्रखंड के कई गांव में जनसंपर्क करने के दौरान अवध बिहारी चौधरी, माले के दरौली विधायक सत्यदेव राम, माले के मुखिया ने क्या कुछ कहा है। क्या कहेंगे आज पूरा सिवान है वो लालटेन अवध बिहारी मैं। जनता के यह सोच है और हमें लोग पसंद करते हैं हमारे आचरण के को देख करके, और ऐसा लगता है कि सिवान लोकसभा के जनता यह एक सोच समझदारी के तहत एक निष्कर्ष पर पहुंच गई है कि इस चुनाव में हमें लालटेन को जिताना है, मतलब आरजेडी महागठबंधन को जिताना है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। जहाँ जा रहे हैं लोगों की भारी भीड़ दिख रही है, क्या लग रहा है? यही ना आकर्षण है लोगों का, जहाँ जनता ज्यादा जुट जाए तो समझ जाइए कि जो 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 चुनाव लड़ रहा है उसके प्रति लोगों का जुड़ाव हो गया है और लोग चाहते हैं कि हम जो प्रत्याशी खड़े हैं वो अच्छे हैं, उनको हमें जिताना चाहिए, इसीलिए जहाँ जाइएगा वहाँ भीड़ आप देख रहे हैं। विपक्षी का कहना है कि कितना ही मेहनत कर लेंगे लेकिन लालटेन नहीं जलेगा। हाँ तो अब तो उनके हाथ में तो कुछ है नहीं, हाँ उनका मुंह जरूर उनके पास है, मुंह से इतना बोलना है बोल लेने में क्या दिक्कत लगता है, इतना मुंह बोलने ही के लिए ना है, लेकिन जनता क्या बोलती है, मतदाता का क्या दिमाग है, मतदाता का क्या सोच है, मतदाता क्या बोलती है, तो मतदाता ना फायदा मतलब फैसला लेकर के और 25 को वोट करके बतला देगी कि इंडिया जीतेगा कि मैं ये जो है एनडीए जीतेगा, इसका फैसला तो 25 तारीख को होगा। इंडिया जीत जाएगी, इंडिया को जीतना है, इंडिया कैसे नहीं जीतेगा, इंडिया कैसे हार जाएगा। बिल्कुल साउथ में मुंह के पारे गिर गए नरेंद्र मोदी, अब बिहार के जो 3 चरण हुआ है ना उसमें भी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को जनता ने आगे बढ़ा दिया है, जो और जो चरण होगा उसमें भी वही स्थिति रहेगी, तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की जीत पार्लियामेंट में इस बार होगी। गोलबंद हो रहे हैं, गोलबंदी तो पूरा हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमको तो ऐसा अनुभव हो रहा है, हम तो महसूस कर रहे हैं कि गोलबंदी हो रही है। हमको लगता है कि 75% लोग माइंड जो है मेकअप कर गए हैं कि हमको वोट किसको देना है। ठीक,
क्षेत्र में अवध बिहारी चौधरी पहुंचे हुए हैं, क्या लग रहा है आपके क्षेत्र से अवध बिहारी चौधरी भारी मतों से जीतेंगे? जी तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, तो आप खुद उपस्थित हैं संजोपुर में और आप देख ही रहे हैं कि एक गांव में किस तरह से भव्य स्वागत श्री अवध बिहारी चौधरी जी को हो रहा है और नारे लग रहे हैं। और ये जमावड़ा से तो यही अनुमान लगाइएगा ना, यही तो मैंने वोट देने का अभिव्यक्ति है ये, तो इसे आप समझ लीजिए कि दरौली में सबसे बम्पर वोट से लालटेन छाप जीतेगा। जो भीड़ दिख रहा है वोट बैंक में तब्दील हो जाएगा, ये कोई नया लोग अभी है, ये पहले से वोट बैंके है, इनको तब्दील करने की अभी जरूरत नहीं है। ये लोग जाएंगे तो और नए लोगों को तब्दील करेंगे और एक बड़ी गुलबंदी, एक बड़ा वोट मिलेगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। बाकी जो लोग जो बोल रहे हैं वो लोग को बोलना काम है, अब उनके पास बोलने के लिए बहुत रहियो नहीं गया है, इतना ना झूठ लोगों ने बोल चुका है कि अब झूठों बोलने के लिए जगह नहीं रहा। इसलिए मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोगों का सहयोग रहना चाहिए। महागठबंधन सिवान में भारी मतों से विजयी होगा, बिहार में भारी मतों से विजयी हो रहा, वो 40 के 40 का जो है ना नारा जो था वो 40 चोर में बदल गया है, 40 चोर में बदल गया है, और महागठबंधन भारी वोट से। और पूछना है चौधरी लगातार जल संपर्क कर रहे हैं, क्या लग रहा है माले का जो वोट है वो कहाँ गिरेगा दरौली में? माले का एक एक वोट महागठबंधन को गिरेगा, कोई माई के लाल में दम नहीं है कि माले कार्यकर्ता को डिगा दे, माले के आधार को डिगा दे, क्योंकि हम लोग यहाँ सांप्रदायिक और सामंती ताकतों से दो दो हाथ करके लड़के एक मजबूत संगठन बनाए है। और हमारी पार्टी ने ऐलान किया है कि महागठबंधन के जो अवध बिहारी चौधरी है उनको वोट देना है, इसलिए तमाम लोग जितने भी हमारे माले के आधार के लोग हैं, वो चाहे दलित समुदाय के लोग हों, चाहे अत्यंत पिछड़ा समुदाय के लोग हों, चाहे पिछड़ी जाति के लोग हैं, तमाम लोग वोट, एक एक वोट महागठबंधन को देंगे।